संख्याओं का इस्तेमाल हमारे रोजमर्रा के जीवन में हर जगह होता है बाजार से सामान खरीदने के छोटे से काम से लेकर एक अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर पहुंचाने जैसे बड़े काम तक हर जगह संख्याओं का इस्तेमाल होता है दुनिया भर में वैज्ञानिक और इंजीनियर गणित के कुछ ऐसे प्रमेयों का इस्तेमाल करते हैं जो हम बड़े होकर पढ़ेंगे कक्षा 9 में हमने संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था साइंटिस्ट और इंजीनियर उन परिमेयों का उपयोग कुछ ऐसे हिसाब लगाने में करते हैं जिनका उपयोग चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान पहुंचाने जैसे कार्यों में होता है इस पाठ में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे हमने कक्षा नौ में देखा था कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं क्या आपको याद है कि परिमेय संख्या क्या होती है हमने यह भी देखा हुआ है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं को मिलाकर वास्तविक संख्याएं कहा जाता है इस पाठ में हम वास्तविक संख्याओं के दो महत्वपूर्ण गुणों के बारे में पढ़ेंगे पहला यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और दूसरा अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इस विभाजन प्रमेयिका में लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस या लंबी विभाजन प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है क्या आपको लंबी विभाजन प्रक्रिया याद है अगर उसमें कोई संदेह हो तो अपने टीचर से जरूर पूछें यह प्रमेयिका यह कहती है कि एक धनात्मक पूर्णांक ए को किसी भी अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से इस तरह विभाजित किया जा सकता है कि शेषवल आर प्राप्त हो जो पूर्णांक b से छोटा होता है इस प्रमेयिका का इस्तेमाल दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक, यानी कि एचसीएफ निकालने में किया जाता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय या फिर द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यह प्रमेय यह कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है हम अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का इस्तेमाल कक्षा नौ में अध्ययन की हुई कुछ संख्याओं जैसे रूट टू रूट थ्री और रूट फाइव की अपरिमेयता सिद्ध करने में इस्तेमाल करेंगे अगर हमारे पास कोई परिमेय संख्या p बाय क्यू के रूप में है तो हम अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का इस्तेमाल यह पता करने में भी करेंगे कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कब शांत और कब अशांत आवर्ती का है हम देखेंगे कि p बाय क्यू में से q के अभाज्य गुणनखंडन से p बाय क्यू के दशमलव प्रसार की प्रवृत्ति ज्ञात होगी चलिए अब इस पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं विभाजन वह प्रक्रिया है जिसकी मदद से हम चीजें बांट पाते हैं उदाहरण के लिए अगर मेरे पास 12 लड्डू हैं और मुझे उन्हें चार लोगों में बांटना है तो मैं लिख सकता हूं 12 बटा चार बराबर तीन इससे हम कह सकते हैं कि चारों लोगों को तीन लड्डू मिलेंगे परंतु यहीं पे अगर मेरे पास तेरह लड्डू होते तो क्या होता तो हम लिखते तेरह बटा चार बराबर तीन शेष एक क्योंकि तेरह बराबर चार गुणा तीन प्लस एक उसी प्रकार अगर मेरे पास चौदह लड्डू होते तो हम लिख पाते चौदह बटा चार बराबर तीन शेष दो क्योंकि चौदह बराबर चार गुणा तीन प्लस दो इस समीकरण को देखें तेरा बराबर चार गुणा तीन प्लस एक यहां पे तीन को भागफल कहते हैं जिसे हम Q से दर्शाते हैं और एक को शेष कहते हैं जिसको हम R से दर्शाते हैं इससे हम ये कह सकते हैं कि तेरा बराबर चार गुणा क्यू प्लस आर जहां पे q बराबर तीन है और r बराबर एक है उसी तरह पूर्णांक के निम्नलिखित जोड़े के लिए a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर समीकरण लिखने का प्रयास करें अगर ए का मान सत्रह है और बी का मान यहां पे सोचने वाली बात यह है कि सत्रह से कम परिणाम प्राप्त करने के लिए को हम अधिकतम किस संख्या से गुणा कर सकते हैं इस सवाल का जवाब दो है क्योंकि हम जानते हैं कि छे को तीन पे गुणा करने से अठारह प्राप्त होता है जो कि सत्रह से बड़ा है इसलिए हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि सत्रह इक्वल टू गुणा दो प्लस आर तो पहले सवाल का जवाब हमारे पास दो आ गया अब अगर हमको आर को ज्ञात करना है तो हमको इस समीकरण को देखना पड़ेगा जहां पे सत्रह बराबर छे गुणा दो प्लस आर है ये दो वही दो है जो हमने पिछले सवाल के जवाब में निकाला है इस समीकरण से अगर हम आर का मान ज्ञात करना चाहें तो हम पांच ज्ञात करेंगे तो दूसरे सवाल का उत्तर हो गया पांच इसलिए हम लिख सकते हैं कि सत्रह बराबर छह गुणा दो प्लस पांच ये पांच वही पांच है जो हमने दूसरे सवाल के उत्तर में निकाला है उसी तरह ए इक्वल टू पांच और बी इक्वल टू बारह के लिए q और r ज्ञात करने का प्रयास करें जब आप इसे हल करेंगे तो आप देखेंगे कि पांच बराबर बारह गुणा शून्य प्लस पांच जिसमें q का मान शून्य और r का मान पांच है कृपया इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें ए और बी के किसी भी दिए गए सेट के लिए क्यू और आर अद्वितीय होते हैं हमने इक्वल टू सत्रह और बी इक्वल टू छः वाले उदाहरण में देखा था कि हमारे पास जो समीकरण आया है सत्रह बराबर छः गुणा दो प्लस पाँच, उसमें क्यू बराबर दो और आर बराबर पांच आया था हमारे दूसरे उदाहरण में ए बराबर पांच और बी बराबर बारह था जिसका समीकरण आया था पांच बराबर बारह गुणा शून्य प्लस पांच जहां पे क्यू शून्य आया था और आर पांच आया था हम यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका को निम्नानुसार बता सकते हैं दो धनात्मक पूर्णांक ए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r होती हैं जिससे a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर होता है जहां पे कि r शून्य और b के बीच का एक संख्या है कृपया इसको नोट कर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमको यह बताती है कि संख्याएं एक दूसरे को विभाजित कैसे करती हैं। अपनी किताब में दिए गए इस उदाहरण को देखें जहां पर हमको एक विक्रेता की टोकरी में कितने अंडे हैं यह ज्ञात करना है हमको विक्रेता ने जो जो वाक्य बताए हैं आइए उनको देखते हैं इस उदाहरण के लिए यदि आपको अंडों की कुल संख्या ज्ञात करने की आवश्यकता है तो हम निम्नलिखित समीकरण बना सकते हैं पहला वाक्य दो दो गिनने पर एक बचेगा इसका मतलब है कि अगर मैं अन्नों की कुल संख्या को ए मान लू तो ए को मैं टू यू प्लस वन लिख सकता हूं जहां पे कि दो दो गिनने वाले वाक्य से टू यू आया है और एक बचेगा से प्लस वन आया है इसी तरीके से बाकी वाक्यों से मैं ए इक्वल टू थ्री टी प्लस टू ए इक्वल टू फोर एस प्लस थ्री एक्वल टू फाइव आर प्लस फोर लिख सकता हूं आखिरी दो वाक्यों से a टू सिक्स क्यू प्लस फाइव और a टू सेवन पी प्लस जीरो लिखा जा सकता है यहां a अंडों की कुल संख्या है तथा p, q, r, s, t और u प्राकृत संख्याएं हैं हम सभी समीकरणों की तुलना कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वे इस फॉर्म से मेल खाते हैं एक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर जहां b का मान सात छ पांच चार तीन और दो है तथा r का मान शून्य पांच चार तीन दो और एक है हम देख सकते हैं कि r हमेशा b से कम है जो हमने छह समीकरण बनाए हैं उनको आप अब देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से एक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर का फॉर्म लेते हैं हम यहां देख सकते हैं कि r b से कम है और ये हमको सभी समीकरणों में देखने को मिल जाता है प्रश्न में अंतिम समीकरण को देखें साथ साथ गिनने पर कुछ नहीं बचेगा यह हमें बताता है कि अंडों की कुल संख्या सात का ही एक गुणज है मतलब कि a इक्वल टू सेवन इंटू पी प्लस जीरो हम गणना कर सकते हैं कि कुल संख्या 119 है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग तब किया गया था जब हमने इस प्रश्न में समीकरण लिखे थे कॉपी में प्रश्न के लिए निम्नलिखित समीकरणों को लिख लें अब हम देखेंगे कि यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका का उपयोग दो संख्याओं के एचसीएफ को खोजने में कैसे किया जाता है आपको याद होगा कि दो धनात्मक पूर्णांकों A और B का एचसीएफ वह सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक डी है जो ए और बी दोनों को विभाजित करता है एचसीएफ यानी कि हाइएस्ट कॉमन फैक्टर उदाहरण के लिए पंद्रह और दस का एच सी एफ पांच है क्योंकि पांच वह सबसे बड़ी संख्या है जो पंद्रह और दस दोनों को विभाजित करती है दो धनात्मक पूर्णांकों C और D के लिए एच प्राप्त करने के लिए पहला चरण C और D के लिए यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का लागू करें चरण दो यदि चरण वन के बाद R का मान शून्य आ गया है तो C और D का एच D है यदि पहले चरण के बाद R का मान शून्य नहीं है तो D और R पर यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका लागू करें चरण तीन R बराबर शून्य आने तक प्रक्रिया जारी रखें इस स्तर पर जब R शून्य आ जाएगा D HCF होगा आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं हमें प्रश्न दिया गया है कि 455 और 42 का एच ज्ञात करिए हमें याद रखना होगा कि पहले चरण में हम सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लागू करते हैं जहां पे सी बड़ी संख्या है यहां पर 455 C सी है और 42 डी है तो आप देख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लागू करने पर 455 बराबर बयालीस गुणा दस पैतीस आएगा चरण दो यह कहता है कि यदि का मान शून्य आ गया है तो सी और डी का D ही है, और यदि का मान शून्य नहीं है तो डी और आर पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करें यहां पे हम देख सकते हैं कि पहले चरण के बाद हमारे पास आर का मान पैंतीस आया है जो कि शून्य के बराबर नहीं है इसीलिए हमको डी और आर यानी कि 42 और 35 पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करनी है तो चरण दो में हम पहला समीकरण लिखते हैं 42 बराबर पैतीस गुणा एक प्लस सात दूसरे समीकरण में हमारे पास आर का मान 7 है जो कि शून्य के बराबर नहीं है तो आपको दूसरा चरण याद होगा यदि आर का मान शून्य के बराबर नहीं आता है तो हमको डी और आर पे फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करनी होती है इसलिए हम पैंतीस और सात पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करते हैं और हमको अगला समीकरण मिलता है पैंतीस बराबर सात गुणा पांच प्लस शून्य यहां पे आर का मान शून्य है इसलिए हम यहां पे कह सकते हैं कि आर का मान शून्य आने पे डी ही आवश्यक एचसीएफ है यहां पे डी का मान सात है तो इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 455 और 42 का एच सी सात होगा कृपया इसको नोट कर लें नौ और चौदह का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें महत्तम समापवर्तक वो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा नौ और चौदह का जो इन दोनों को पूरी तरह से विभाजित करेगा तो चलिए इसका पता लगाने के लिए हम दो तरीकों का इस्तेमाल करेंगे तो मेरा पहला तरीका है यहाँ पर हम नौ और चौदह के गुणनखंडों खंडो का पता लगाएंगे पहले तो नौ तो हमें मिलता है एक और नौ के गुड़न से ये तो एक संख्या हो गई इसके अलावा अगर मैं तीन में तीन का गुड़ा कर देती हूँ तो भी मुझे नौ मिल जाता है यानी कि ये सभी नौ के गुड़न खंड है और इसी तरीके से चौदह की अगर हम बात करें तो चौदह को अगर मैं एक और चौदह में गुड़ा करती हूँ तो मुझे चौदह मिलता है इसके अलावा अगर मैं सात और दो का गुड़ा कर दू तो भी मुझे चौदह मिल जाएगा तो अब ये सभी जो मैंने इन दोनों संख्याओं के बगल में लिखे हुए हैं ये सभी इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड हैं। और हमें इन गुणनखंडों में से उस सबसे बड़े गुणनखंड को ढूंढना है जो इन दोनों को पूरी तरह विभाजित करता है तो यहाँ पर तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है एक के अलावा जो इन दोनों में सार्व हो इसलिए हम कह सकते हैं कि नौ और चौदह का महत्तम समापवर्तक वर्तक ये मस दिखाता है कि मैं महत्तम समापवर्तक की बात कर रही हूँ तो नौ और का महत्तम समापवर्तक वर्तक एक होगा यानी कि एक वो सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों को पूरी तरह से विभाजित करेगी और दूसरा तरीका इनके महत्तम समापवर्तक वर्तक का पता लगाने का है इनका अभाज्य गुड़न खंडन करना तो नौ को मैं तीन गुणा तीन लिख सकती हूँ और तीन का कोई भी और गुणनखंड नहीं है तीन और एक के अलावा इसलिए तीन एक अभाज्य संख्या है और चौदह की अगर हम बात करें तो चौदह को मैं दो गुड़ा सात लिख सकती हूँ और दो और सात का भी कोई भी और गुणनखंड नहीं है इनके स्वयं और एक के अलावा तो यहाँ पर ये सभी इनके अभाज्य गुणनखंड हैं और अगर इन दोनों में कोई संख्या सार्व होती तो हम कह देते कि वो इनका महत्तम समापवर्तक है लेकिन क्योंकि कोई भी संख्या यहाँ सार्व नहीं है इसलिए हम कहेंगे की इनका महत्तम समापवर्तक एक है तो अपने उत्तर की जांच करेंगे नौ और चौदह का महत्तम समापवर्तक है एक जी हाँ ये ठीक है अगला प्रश्न हल करते हैं अब हमें पता लगाना है तीस और पचहत्तर के महत्तम समापवर्तक का मैं फिर से अपनी कलम ले लेती हूँ हमारे पास है तीस और पचहत्तर किन किन संख्याओं के गुणनफल से हमें ये संख्याए मिलेंगी तो अगर मैं एक में गुणा कर देती हूँ तीस का तो मुझे तीस मिलेगा इसके अलावा दो भी पूरी तरह विभाजित करेगा तीस को तो अगर मैं दो में गुड़ा करती हूँ पंद्रह का तो भी मुझे तीस मिलेगा इसी तरीके से तीन दहाइम तीस होता है तो तीन और दस ये भी तीस के खंड है और अगर मैं पांच की बात करूं तो पांच भी तीस को पूरी तरह विभाजित करता है छह बार तो पांच और छह भी तीस के गुड़न खंड हुए ये सभी तीस के गुड़न खंड है यहाँ पे अब बात करते हैं पचहत्तर की तो अगर हम एक और पचहत्तर का गुड़ा करेंगे तो हमें पचहत्तर मिलेगा इसके अलावा पचहत्तर जाता है तीन से भी तो तीन में अगर मैं पंद्रह का गुड़ा करती हूँ तो मुझे पचहत्तर मिलता है और तीन के अलावा चार से तो नहीं जाएगा ये पांच से जाएगा ये तो अगर मैं पांच में गुड़ा कर देती हूँ पच्चीस का तो मुझे पचहत्तर मिलेगा और मुझे नहीं लगता कि इन संख्याओं के अलावा कोई और संख्या है जो पचहत्तर को पूरी तरह विभाजित करे तो हम कह सकते हैं कि ये सभी संख्याएं पचहत्तर के गुणनखंड हैं। अब हमें निकालना है महत्तम समापवर्तक तीस और पचहत्तर का तो इनका महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हमें उन सभी संख्याओं को यानी कि हमें उन सभी गुणनखंडों को यहाँ से निकालना होगा जो इन दोनों के गुणनखंडों में सार्व हैं। तो यहाँ पर एक है हमारे पास और इसके अलावा दो तो नहीं आता पचहत्तर में तीन यहाँ पर तीस और पचहत्तर के गुणनखंडों में सार्व है पाँच है यहाँ पे सार्व और यहाँ पर पंद्रह भी सार्व है तो यहाँ पर हमारे पास एक तीन और पांच और पंद्रह सार्व है इन दोनों के गुणनखंडों में और एक बात जो यहाँ ध्यान देने वाली है वो ये कि अगर मैं एक तीन और पांच का गुड़ा करती हूँ तो मुझे पन्द्रह मिल जाता है यानी कि अगर मैं एक गुड़ा तीन गुड़ा पांच तो ये पहले से ही पंद्रह के बराबर है इसलिए क्योंकि मैंने पंद्रह पहले ही यहाँ लिख लिया है मुझे दोबारा से पंद्रह लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये पंद्रह को दो बार लिखने वाली बात हो जाएगी तो यहाँ पर महत्तम समापवर्तक तीस और पचहत्तर का एक गुड़ा तीन गुड़ा पांच यानी कि पंद्रह के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि तीस और पचहत्तर का महत्तम समापवर्तक है पंद्रह अब हम अभाज्य गुणन खंडन से इसे हल करने की कोशिश करते हैं तीस को हम पांच गुड़े छ लिख सकते हैं पांच तो एक अभाज्य संख्या है लेकिन छे को मैं दो गुड़ा तीन लिख सकती हूँ तो तीस के गुणनखंड, तीस के अभाज्य गुणनखंड खंड पांच दो और तीन है इसी तरीके से अगर हम पचहत्तर को देखें, तो पचहत्तर बराबर है पांच गुड़े पंद्रह के और पांच एक अभाज्य संख्या है लेकिन पंद्रह को हम तीन गुड़े पांच लिख सकते हैं तो पचहत्तर के अभाज्य गुड़न खंड तीन और पांच है इसका मतलब है कि मैं तीस को लिख सकती हूँ मैं तीस को पाँच गुड़े दो गुड़े तीन लिख सकती हूँ और पचहत्तर को मैं यहाँ से पचहत्तर को मैं पांच गुड़े पांच गुड़े तीन लिख सकती हूँ पांच गुड़े पांच गुड़े तीन तो अब इनका महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम इन दोनों में सार्व गुड़न खंडो को निकाल लेंगे तो यहाँ पर पांच ये इन दोनों में आता है इसके अलावा इन दोनों में आता है तीन तो इन दोनों का महत्तम समापवर्तक इन दोनों का महत्तम समापवर्तक यानी कि तीस और पचहत्तर का ये बराबर होगा पांच और तीन जो इन दोनों में सार्व है यानी कि पांच गुड़ा तीन और ये बराबर है पंद्रह के ही जो हमें यहाँ से भी मिल रहा था तो महत्तम समापवर्तक वर्तक निकालने के लिए अगर हम इन दोनों का अभाज्य गुणन खंडन कर लें और उसके बाद इन दोनों में जितने भी सार्व गुणनखंड है उन्हें ले लें तो ये हमें हमारा महत्तम समापवर्तक वर्तक दे देगा चलिए अब यहाँ पर हम अपना उत्तर लिखेंगे तीस और पचहत्तर का महत्तम समापवर्तक वर्तक है पंद्रह और हमारा उत्तर भी ठीक है तीस और पच्चीस का लघुत्तम समाप्त क्या है तो इनका लघुत्तम समापवर्त निकालने का मतलब है हमें एक ऐसी संख्या का पता लगाना है ऐसी सबसे छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होती हो तो इनका पता लगाने के लिए हम 30 और 25 का अभाज्य गुणन खंडन करेंगे तो 30 को हम किन संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं किन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तो तीस मिलता है हमें अगर हम तीन का गुणा कर दे दस में और यहाँ पर तीन तो अभाज्य है लेकिन दस को हम अभी और भी तोड़ सकते हैं तो दस को मैं पांच गुड़ा दो लिख सकती हूँ इसका मतलब हुआ कि तीस को हम तीन गुड़ा पांच गुड़ा दो लिख लेंगे और ये जो हमें गुणनखंड मिले हैं ये तीस के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो चलिए बात करते हैं पच्चीस की पच्चीस मिलता है हमें पांच और पांच का गुणा करने में और पांच एक अभाज्य संख्या है इसलिए हम इसे और ज्यादा नहीं तोड़ सकते तो मैं पच्चीस को पांच गुणा पांच लिख सकती हूँ तो अब हमें लघुत्तम समाप निकालना है यहाँ पे 25 और 30 का ये वाला जो चिन्ह है ये जो तरीका है ये लघुत्तम समाप निकालने के लिए हम लिखते हैं और यहाँ पर मैं 30 और 25 को लिख दूंगी इसका मतलब हुआ कि मुझे 30 और 25 का लघुत्तम समाप निकालना है तो इन दोनों का लघुत्तम समाप एक ऐसी संख्या होगी जिसके गुड़न के समूह में ये सभी गुड़न आने चाहिए क्योंकि अगर ऐसा हुआ तभी तो वो संख्या इन दोनों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होगी तो चलिए देखते हैं कि वो संख्या कैसे मिलेगी हमें तो अगर उस संख्या को तीस से पूरी तरह विभाजित होना है तो उस संख्या में कम से कम तीन गुड़े पांच गुड़े दो ये तो होना ही होना चाहिए क्योंकि इन तीनों संख्याओं के ही गुणनफल से हमें तीस मिलता है और कम से कम तीस को एक बार विभाजित करने के लिए हमें तीस तो चाहिए ही चाहिए तो यहाँ इन तीनों संख्याओं का गुणन हमें तीस देता है इसलिए जो हमारा लघुत्तम समापवर्त होगा उसमें ये तीनों तो होने ही होने चाहिए और अब इसके अलावा जो हमारा लघुत्तम समापवर्त होगी संख्या उस संख्या को पच्चीस से भी पूरी तरह विभाजित होना चाहिए तो यहाँ पर हमारे पास एक पांच तो है लेकिन पच्चीस से पूरी तरह विभाजित होने के लिए हमें दरअसल दो पांच चाहिए जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं तो हमारे पास एक पांच पहले से है पूरी तरीके से अगर हम एक पांच और ले लेते हैं तो यानी कि ये संख्या अब पच्चीस से भी पूरी तरह विभाजित होगी मैं यहाँ पर अपने पांच और दो की जगह बदल रही हूँ यहाँ से ताकि आसान हो जाए हमें समझने में एक सेकेंड बस ठीक है तो यहाँ पर मैं दो लिख देती हूँ यहाँ पे पांच तो यहाँ पर ये दोनों पांच ये दोनों मिलकर हमें पच्चीस दे रहे हैं तो दरअसल ये जो संख्या होगी हमारे पास जो हमें इनके गुणनफल से मिलेगी वो तीस से और पच्चीस से दोनों से पूरी तरह विभाजित होगी और वही हमारा लघुत्तम समापवर्त होगी इन दोनों संख्याओं का तो चलिए बिन सभी का गुणन कर लेते हैं तीन गुड़ा दो छे छे पचे तीस और तीस पचे ये होता है डेढ़ सौ के बराबर तो हम कह सकते हैं कि तीस और पच्चीस का लघुत्तम समापवर्त है डेढ़ सौ और डेढ़ सौ वो सबसे छोटी संख्या है जो इन दोनों से पूरी तरह विभाजित होती है पंद्रह छह और दस का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम पता कीजिए एलसीएम का मतलब है इन संख्याओं का लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्तक और इसे ठीक से समझने के लिए हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो इसे हल करने के लिए हमें पंद्रह छह और दस के अलग अलग गुणजों यानी कि मल्टीपल्स के बारे में सोचना होगा और उसके बाद सबसे छोटे गुणज का पता लगाना होगा जो इन संख्याओं में समान यानी कि कॉमन है अब हम पंद्रह के गुणज पता कर लेते हैं पंद्रह गुणा एक हुए पंद्रह पंद्रह गुणा दो हुए तीस पंद्रह गुणा तीन हुए पैतालीस पंद्रह गुणा चार हुए साठ पंद्रह गुणा पांच हुए पचहत्तर पंद्रह गुणा छह हुए नब्बे और पंद्रह गुणा सात हुए एक सौ पांच और अगर अभी भी इनमें से कोई संख्या सार्व गुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल नहीं है तो हो सकता है कि आपको और गुणज पता करने पड़े यहां हमने पंद्रह के गुणज एक तक लिख लिए हैं और अब हम छह के मल्टीपल पता करेंगे छह गुणा एक हुए छह, छह गुणा दो हुए बारह छह गुणा तीन हुए अठारह, छह गुणा चार हुए चौबीस छह गुणा पांच हुए तीस, छह छह गुणा हुए छत्तीस छह गुणा सात हुए बयालीस छह गुणा आठ हुए अड़तालीस छह गुणा नौ हुए चौवन गुणा दस हुए साठ साठ दोनों संख्याओं का सार्वगुणज या कॉमन मल्टीपल है हमारे पास दो संख्याएं हैं तीस और साठ जो कि पंद्रह और छह की सार्वगुणज या कॉमन मल्टीपल है अगर हमें सिर्फ पंद्रह और छह के समापवर्तक का पता लगाना होता तो इसका उत्तर तीस होता पंद्रह गुणा दो तीस होते हैं और छह गुणा पांच तीस होते हैं इसलिए तीस निश्चित रूप से दोनों संख्याओं का सार्वगुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल है 60 भी सार्व गुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल है लेकिन ये 30 से बड़ी संख्या है इसलिए 15 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक 30 है अब हम 10 के गुणज यानी कि मल्टीपल पता कर लेते हैं तो 10 के गुणज हैं 10 20 30 40 हमें यही तक पता करना है क्योंकि इन संख्याओं में 30 भी शामिल है 30 15 और 6 का सार्वगुणज है और ये इन सभी संख्याओं का सबसे छोटा सार्व गुणज भी है इसलिए हम कह सकते हैं कि पंद्रह 6 और दस का लघुतम समापवर्तक यानी कि एल्सियम तीस है अभी हमने एल्सियम पता करने का पहला तरीका देखा है जिसमें हम प्रत्येक संख्या के गुणज यानी कि मल्टीपल लिख लेते हैं और फिर उनमें से सबसे छोटा सार्वगुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल का पता लगाते हैं एल्सियम पता करने का एक और तरीका इन सभी संख्याओं का अभाज्य गुणन खंडन यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन है क्योंकि वह संख्या है जिसमें इन संख्याओं के अभाज्य गुणन खंडन के सभी अवयव यानी कि एलिमेंट्स होते हैं इसे समझने के लिए हम किसी संख्या के अभाज्य गुणन खंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स पता कर लेते हैं तो पंद्रह के अभाज्य गुणन यानी कि प्राइम फैक्टर्स हैं तीन और पांच क्योंकि तीन गुणा पांच पंद्रह होते हैं और तीन और पांच अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स हैं। इसी तरह छ को दो गुणा तीन के रूप में लिखा जा सकता है इसलिए छह के अभाज्य गुणनखंड दो और तीन है क्योंकि दो और तीन दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और इसी तरह दस के अभाज्य गुणनखंड दो और पांच हैं क्योंकि दो गुणा पांच दस होते हैं और दोनों अभाज्य संख्याएं हैं अब हमने सभी अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स पता कर लिए हैं इसलिए 15 6 और 10 के एलसीएम में ये सभी प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए इसका मतलब है कि एलसीएम के 15 से विभाज्य यानी कि डिविजिबल होने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक तीन और कम से कम एक पांच अवश्य होना चाहिए 6 से डिविजिबल होने के लिए इसमें कम से कम एक दो और एक तीन होना चाहिए पर तीन पहले से लिखा हुआ है इसलिए हमें सिर्फ दो की आवश्यकता है यहाँ पर दो को तीन से गुणा करके हम प्राप्त कर सकते हैं, और तीन और पांच को गुणा करके हम पंद्रह प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद दस से डिविजिबल होने के लिए हमें कम से कम एक दो और एक पांच की आवश्यकता है जो कि यहां पर पहले से लिखे हुए हैं। अब हमने सारे अभाज्य गुणनखंड, यानी कि प्राइम फैक्टर्स लिख लिए हैं। दो गुणा तीन गुणा पांच में दस छ पंद्रह के सभी अभाज्य गुणनखंड हैं। तो इन तीनों को आपस में गुणा करने पर दो गुणा तीन हुए छ और छह गुणा पांच हुए तीस और ये दी गई संख्याओं का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक है तो इस तरह आप किसी भी तरीके से एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर तक पता कर सकते हैं अगर दी गई संख्याएं ज्यादा बड़ी हैं, तो दूसरा तरीका थोड़ा बेहतर है क्योंकि पहले तरीके से बड़ी संख्याओं का एलसीएम पता करने के लिए गुणज या मल्टीपल पता करने में अधिक समय लगता है लेकिन एलसीएम पता करने के दोनों ही तरीके सही हैं। यासिर की माँ घर के लिए कबाब और रोटी खरीद रही है एक पैकेट में बारह कबाब होते हैं और एक पैकेट में नौ रोटियां होती हैं। दुकानदार पैकेट खोलकर खुदरा सामान नहीं बेचता है और यासिर की माँ रोटी की संख्या के बराबर ही कबाब लेना चाहती है हमें पता लगाना है कि यासिर की माँ कबाब की लघुत्तम कितनी संख्या खरीद सकती हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर हॉट डॉग क्यों बना हुआ है जब कबाब और पाव रोटी की बात हो रही है खैर चलिए इस सवाल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ये सवाल हमसे कहना चाह रहा है कि दुकानदार कभी भी खुला सामान नहीं बेचेगा और यासिर की माँ को पैकेट में सभी कुछ लेना पड़ेगा यहाँ पे इसका मतलब है कि यासिर की माँ को कई सारे पैकेट लेने पड़ेंगे जब तक कि कबाब और पैकेट में पाव रोटियों की संख्या बराबर ना हो जाए तो यहाँ पर चलिए पहले हम पाव रोटी की यहाँ पर जो रोटियां हैं इनकी संख्या को इनके पैकेट की संख्या को बनाते हैं तो शुरू शुरू में अगर यासिर की माँ एक पैकेट पाव रोटी लेती है ये दिखाता है शून्य को और ये दिखाएगा कि यासिर की माँ ने एक पैकेट पाव रोटी ली एक पैकेट में कुल नौ पाव रोटियां हैं तो अगर एक और पैकेट लेती वो तो उनके पास कुल अट्ठारह पाव हो जाते अब और एक और पैकेट लेने के बाद होते उनके पास सत्ताईस पाव इसी तरीके से वो एक और पैकेट लेती तो उनके पास कितने होते छत्तीस पाव ये संख्या बढ़ती ही जाती फिर ये पैतालीस होती अगर वो और पैकेट लेती तो ये चौवन होती इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उन्होंने कुल कितने पाव रोटियों के पैकेट लिए ये तो बात हो गई पाव रोटी की अब चलिए कबाब की बात करते हैं और मुझे कोई और रंग नहीं मिल रहा था नीले के अलावा कबाब को दिखाने के लिए इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है तो कबाब एक पैकेट में बारह होते हैं तो अगर उन्होंने एक पैकेट कबाब लिया होता तो यहाँ उनके पास होते बारह कबाब अब अगर वो कबाब का दूसरा पैकेट लेती तो उनके पास चौबीस कबाब होते इसी तरीके से तीसरे पैकेट में उनके पास होते छत्तीस कबाब अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर उन्होंने तीन पैकेट ये दिखाता है एक पैकेट ये दूसरा पैकेट और ये तीसरा पैकेट अगर तीन पैकेट कबाब लेती वो तो उनके पास छत्तीस कबाब होते और अगर उन्होंने एक दो तीन चार चार पैकेट अगर उन्होंने पाव रोटियां ली होती तो उनके पास छत्तीस पाव होते इसका मतलब ये हुआ कि छत्तीस वो सबसे छोटी संख्या है पाव रोटी और कबाबों की जो उन्हें लेनी होगी ताकि इन दोनों की संख्या आपस में बराबर हो सके तीन पैकेट कबाब लेने पड़ेंगे उन्हें और चार पैकेट पाव रोटियां और यही बात तो ये सवाल हमसे पूछ रहा था कि उन्हें कम से कम कितनी पाव रोटियां और कबाब लेने होंगे ताकि इन दोनों की संख्या बराबर हो जाए आपको समझ आ रहा होगा कि 36 कबाब और 36 पाव रोटियां जरूरी है लेना अगर एक पैकेट में नौ रोटियां और एक पैकेट में बारह रोटियां होती हैं। तो हमें यहाँ से हमारा उत्तर मिल रहा है हमें कम से कम छत्तीस कबाब लेने होंगे ताकि दोनों की संख्या बराबर हो सके ये तो इसे समझने का तरीका था लेकिन दरअसल यहाँ पर हमें लघुत्तम समाप निकालने को कहा गया है तो लघुत्तम समाप का आखिरकार मतलब क्या है किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा संख्याओं का लघुत्तम समाप वो सबसे छोटी संख्या होती है जो कि उन सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होगी अगर हम 12 और 9 को देखें, तो इनका लघुत्तम समाप क्या होगा इसका पता लगाने के लिए हमें बारह का अभाज्य गुणनखंडन खंडन करना होगा तो बारह का अभाज्य गुणनखंडन खंडन करने के लिए हम इसके इसके गुणन खंडो के रूप में लिखना शुरू करते हैं बारह मिलता है हमें दो गुणा छह से यहाँ दो तो अभाज्य है लेकिन छह इसको मैं दो गुणा तीन लिख सकती हूँ दो गुणा तीन तो बारह बारह हमें मिलता है दो गुड़ा दो गुड़ा तीन से मिलकर ये तीनों ही इसके अभाज्य गुड़न खंड है इसी तरीके से नौ अगर हम नौ का अभाज्य गुड़न खंडन तो नौ हमें मिलता है तीन गुणा तीन से और तीन अभाज्य ही होता है यानी कि नौ का अभाज्य गुड़न खंडन करने पे हमें इसके गुणनखंड खंड मिलते हैं तीन और तीन तो एक ऐसी संख्या जो इन दोनों से पूरी तरह विभाजित होगी वो इनके गुणनखंडों से भी पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए यानी कि उस संख्या को दो गुड़ा दो गुड़ा तीन दो गुड़ा दो गुड़ा तीन हमें बारह ही देता है तो उस संख्या को बारह से तो विभाजित होना ही होगा इसके अलावा उस संख्या को नौ से भी विभाजित होना होगा तो अगर हम यहाँ पर इसे देखें हमारे पास एक तीन पहले से ही है अब इस संख्या को नौ से विभाजित होने के लिए हमें इसमें एक और तीन चाहिए तो ये वो सबसे छोटी संख्या होगी जो बारह और नौ इन दोनों से विभाजित होती होगी और इसी संख्या को हम लघुत्तम समाप भी कहते हैं ये संख्या हमारे बारह और नौ का लघुत्तम समाप है इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर दो गुड़ा दो गुड़ा तीन ये दो गुड़ा दो गुड़ा तीन ये बारह के बराबर होता है दो दुनी चारिया बारह तो ये संख्या बारह से तो विभाजित हो ही रही है अब अगर इस संख्या को हम नौ से विभाजित करते हैं तो इस संख्या में तीन गुड़ा तीन यानी कि नौ भी मौजूद है इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या नौ से भी पूरी तरह विभाजित होगी क्योंकि इसमें नौ भी एक गुणनखंड है तो ये वो सबसे छोटी संख्या हुई जो 12 और 9 इन दोनों से पूरी तरह विभाजित होती है और ये कितनी होगी दो दुनिया चार तिया बारह तिया छत्तीस के बराबर तो छत्तीस नौ और बारह का लघुत्तम समाप्त है और इसी का तो पता हमने यहाँ पर लगाया था ये तरीका दरअसल लघुत्तम समाप्त का पता लगाने का ही है चलिए एक और सवाल बनाते हैं इस पे रमेश के पास उनतालीस जोड़ी हेडफोन और तेरह संगीत प्लेयर हैं। रमेश सभी हेडफोन और संगीत प्लेयर को सर्वसम पैकेट में बेचना चाहता है सर्वसम का मतलब हुआ कि वो चाहता है कि हर पैकेट में संगीत प्लेयर और हेडफोनों की जोड़ियों की समान संख्या हो रमेश महत्तम कितने पैकेट बना सकता है हमसे पूछा जा रहा है कि रमेश यहाँ पर कितने ऐसे पैकेट बना पाएगा जिससे कि हर एक पैकेट में संगीत प्लेयर और हेडफोनों की जोड़ियों की समान संख्या हो तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमें यहाँ पर संगीत प्लेयरों को और हेडफोनों को बांटना है बराबर बराबर हिस्सों में ताकि हर एक हिस्से में इनकी समान संख्या आए इसे समझने के लिए चलिए हम अपने सभी हेडफोनों और संगीत प्लेयरों को बना लेते हैं ये हो गए मेरे तीन हेडफोन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह हेडफोन इनकी मैं नकल बना लूंगी ताकि मैं अपने उनतालीस हेडफोनों को दिखा सकूँ ये आ गई मेरी नकल यहाँ पर ये हो गए मेरे छब्बीस हेडफोन और ये हो गए मेरे कुल उनतालीस हेडफोन तो ये मेरे सभी हेडफोन हैं और अब हमें अपने संगीत प्लेयरों को बनाना है तो अब हमारे पास कुल तेरह संगीत प्लेयर है तो यहाँ से मैं तेरह संगीत प्लेयर बनाऊंगी तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह ये मेरे कुल तेरह संगीत प्लेयर हो गए अब मुझे ऐसे पैकेट्स बनाने हैं कि हर पैकेट में संगीत प्लेयर और हेडफोनों की संख्या बराबर हो और आप समझ पा रहे होंगे कि हम ऐसा कैसे करेंगे तो यहाँ पर अगर मैं एक समूह बना लू इस तरीके से तो मेरा ये एक समूह है इस एक समूह में, में मेरे पास तीन हेडफोन है तीन हेडफोन की जोड़ियाँ और एक संगीत प्लेयर है इसी तरीके से ये जो मेरा दूसरा समूह है इसमें भी तीन हेडफोन और एक संगीत प्लेयर है ये हो गया मेरा तीसरा समूह चौथा पांचवा छठवा सातवा आठवा नौवा दसवा ग्यारहवा बारहवा और ये हो गया मेरा तेरहवा समूह तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि कुल हमारे पास तेरह ऐसे समूह हैं और हर समूह में मेरे पास तीन जोड़ी हेडफोन और एक संगीत प्लेयर है तो रमेश कुल ऐसे तेरह पैकेट बनाएगा और हर पैकेट में बराबर बराबर हेडफोन बराबर बराबर संगीत प्लेयर होंगे तो यहाँ पे मैं तेरह पैकेट लुक दूंगी तेरह वो महत्तम संख्या है संगीत प्लेयरों और हेडफोनों की जो रमेश बना पाएगा ये तो एक तरीका है इसे समझने का लेकिन दरअसल हमें यहाँ पर महत्तम समाप्त वर्तक निकालने के लिए कहा जा रहा है उनतालीस और तेरह का तो महत्तम समाप्त वर्तक क्या होता है तो महत्तम समाप्त वर्तक किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा संख्याओं का वो सबसे बड़ा गुणनखंड होता है जो उन दोनों को पूरी तरह विभाजित करेगा तो यहाँ पर उनतालीस और तेरह को तेरह पूरी तरह विभाजित करता है तेरह ही वो सबसे बड़ा गुणनखंड है जो इन दोनों को पूरी तरह विभाजित करेगा इसलिए तेरह इनका महत्तम समापवर्तक है और ये चीज हम अभाज्य गुणनखंडन से भी पता कर सकते थे उनतालीस अगर हम ले लें हमारे पास उनतालीस जोड़ी हेडफोन थे तो इसका अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा उनतालीस को मैं तीन गुणा तेरह लिख सकती हूँ और इसी तरीके से संगीत प्लेयर थे हमारे पास तेरह तो तेरह खुद ही एक अभाज्य संख्या है तो इसका अभाज्य गुणनखंडन हम क्या ही करेंगे तो यहाँ से उनतालीस बराबर होता है तीन गुड़ा तेरह के और तेरह तो तेरह के ही बराबर होता है तो अब इन दोनों संख्याओं में ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो सार्व है यहाँ पर तेरह ही वो गुणनखंड है जो इन दोनों में सार्व है इसलिए इन दोनों का महत्तम समापवर्तक या सबसे बड़ा गुणनखंड खंड तेरह होगा और तेरह ही हमारा उत्तर भी है यहाँ पे हमें इन चारों प्रश्नों में दिए हुए नंबर्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि यानी कि एच सी एफ पता करने हैं अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हुआ कि ऐसे नंबर्स जिससे कि ये दिए हुए नंबर्स डिविजिबल हो कॉमन फैक्टर यानी कि वो नंबर्स जो दोनों में कॉमन होने चाहिए दोनों दोनों के फैक्टर्स होने चाहिए और उन सारे कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा तो चलिए हम पहले प्रश्न से यहाँ पे शुरुआत करते हैं 20 और 40। अगर मैं इन दोनों की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करूं तो यहां मुझे नहीं लगता कि यहां मुझे कुछ और करने की भी जरूरत है या फिर यहाँ पे मुझे इनके फैक्टर्स लिखने की भी जरूरत है क्योंकि ट्वेंटी खुद फोर्टी का फैक्टर है ट्वेंटी के टेबल में फोर्टी आता है ट्वेंटी टूज ऑफ फोर्टी और ट्वेंटी का सबसे बड़ा फैक्टर तो वो खुद ही होगा तो मैं इसको देख के ही बोल सकता हूं कि इनका जो एच होगा वो खुद ट्वेंटी ही हो जाएगा क्योंकि इससे बड़ा और कोई इसका फैक्टर नहीं होगा और अगर हम कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो फोर्टी का फैक्टर ट्वेंटी भी है ट्वेंटी का फैक्टर भी ट्वेंटी है तो दोनों में जो सबसे बड़ी वैल्यू हुई ट्वेंटी वो हमने उठा लिया और वो उसका एच हो गया दूसरे प्रश्न पे यहां आते हैं टेन और सेवन तो यहां पे अगर मैं टेन के फैक्टर्स लिखने की कोशिश करूं तो टेन के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे वन वन तो खैर सबका फैक्टर होता है इवन नंबर है तो टू तो होगा ही फिर टू फाइव टेन होता है तो इसका एक फैक्टर फाइव भी हो जाएगा और फाइनली टेन ये नंबर खुद अपना फैक्टर होगा ही सेवन की बात करूं तो सेवन का वन एक फैक्टर होता है और सेवन एक प्राइम नंबर है तो इसका दो से ज्यादा फैक्टर होंगे ही नहीं तो इसका वन और सेवन सेवन ये खुद यही दोनों इसके फैक्टर्स हो जाएंगे अब अगर यहां मैं इनके कॉमन फैक्टर्स की बात करूं तो यहां मुझे वन के अलावा तो और कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है तो सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हुआ अब एक ही ही फैक्टर फैक्टर है तो तो इसमें मैं क्या क्या हाईएस्ट और लोएस्ट ये तो ही जो कि कॉमन होगा तो अपने आप ही हाइएस्ट भी हो जाएगा तो इसलिए इनका जो यहाँ पे एच होगा वो वन हो जाएगा 21 और 30 की बात की जाए तो चलिए हम 21 और 30 को देखते हैं यहाँ पे 21 के फैक्टर्स चलिए हम यहां लिखते हैं पहले वन इवन नहीं है तो टू होगा ही नहीं हाँ थ्री जरूर होगा क्योंकि थ्री सेवन जॉ ट्वेंटी वन होता है तो इससे मुझे इसके दो फैक्टर्स मिल गए थ्री और सेवन थ्री और सेवन क्योंकि थ्री सेवन जर ट्वेंटी वन या फिर सेवन थ्री जॉ ट्वेंटी वन जो आप कह लीजिए और थ्री और सेवन के अलावा इसके और क्या फैक्टर्स होंगे सिक्स नहीं होगा सेवन नहीं होगा एट नहीं होगा नाइन नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन होता है नाइन टू से एटीन होता है तो और तो कुछ नहीं मिल रहा है तो लास्ट इसका फैक्टर ये खुद हो जाएगा ट्वेंटी वन उसी तरीके से अब अगर मैं थर्टी की बात करूं तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे वन टू थ्री के टेबल में भी आता है फोर से डिविजिबल नहीं होगा ये फाइव से जरूर होगा सिक्स से भी हो जाएगा सिक्स फाइव से थर्टी होता है सेवन से नहीं होगा एट से नहीं होगा इन से भी नहीं होगा टेन से होगा टेन थ्री से थर्टी होता है और फिफ्टीन और फाइनली थर्टी ये सारे थर्टी के फैक्टर्स हो जाएंगे अब चलिए इनमें देखते हैं कि आखिर कॉमन क्या क्या है वन कॉमन है ठीक है थ्री भी कॉमन है ये भी अच्छी बात है और सेवन यहां है लेकिन यहां नहीं ट्वेंटी वन यहां है यहां नहीं तो इसमें दो फैक्टर्स मुझे कॉमन दिख गए कॉमन फैक्टर्स कॉमन फैक्टर्स जो है यहाँ पे वो है क्या क्या वन और थ्री और इसमें हाइएस्ट क्या है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इन दोनों में से वो हो जाएगा थ्री तो इन दोनों का एच सी एफ हो जाएगा थ्री के बराबर थ्री लेकिन हमने इसको एक तरीके से किया इसको करने का क्या कोई और तरीका हो सकता है चलो उसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं जैसे कि अगर मैं ट्वेंटी वन की फैक्टर ट्री बनाऊ यहां पे ट्वेंटी वन की अगर मैं फैक्टर ट्री बनाऊ तो मैं यहाँ लिख सकता हूं मतलब मैं इसको प्राइम फैक्टराइज करने की कोशिश कर रहा हूं हम उसके जरिए कोशिश कर रहे हैं कि इसका हम हाइस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की कोशिश कर पाए तो ट्वेंटी वन को मैं लिख सकता हूं थ्री सेवन जरा ट्वेंटी वन चलिए ले लेते हैं थ्री टाइम्स सेवन और ये दोनों चूंकि प्राइम फैक्टर्स खुद ही हैं तो मैं इसको और ज्यादा आगे नहीं तोड़ सकता तो ट्वेंटी वन को मैं लिख सकता हूँ थ्री टाइम्स सेवन अब अगर मैं बात करूं यहां पे थर्टी की थर्टी को मैं कैसे प्राइम फैक्टराइज कर सकता हूं तो थर्टी को मैं लिख सकता हूं सिक्स फाइव जर्टी सिक्स फाइव जटी फाइव तो यहां पे प्राइम फैक्टर हो गया सिक्स को मैं यहां लिख देता हूं टू टाइम्स थ्री टू टाइम थ्री तो थर्टी का जो यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन है मैं यहां लिख देता हूं वो हो जाएगा टू टाइम्स थ्री जो कि मुझे सिक्स दे देगा और इसको मैं फाइव से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको मैं इधर फाइव से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे थर्टी मिल जाएगा अब इसमें कॉमन क्या क्या है यहां पे ये थ्री कॉमन है यहां पे भी थ्री कॉमन है तो जो यहां से मैक्सिमम कॉमन चीज है वो मैं क्या उठा सकता हूं खुद थ्री हो गया तो इसीलिए इनका जो एच है वो यहां पे थ्री हो जाएगा तो इसी तरीके से चलिए हम फाइनली इस आखिरी क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व करते हैं 105 और 30 का यहां पे हम इनका एच निकालते हैं तो यहां पे मैं स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर देता हूं 105 और 30. तो 105 को चलिए हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो मुझे यहां पे मिल जाएगा क्या ये 5 से तो पक्के से डिविजिबल होगा क्योंकि इसके यूनिट्स प्लेस पे 5 आ रहा है तो 5 टाइम्स 21 मुझे 105 दे देगा अब 21 वन चूंकि प्राइम वैल्यू नहीं है तो इसको हम आगे तोड़ते हैं तो इसको मैं लिख सकता हूं थ्री टाइम्स सेवन तो बस फाइव टाइम्स थ्री टाइम्स सेवन 105 हो जाएगा तो उसको हम यहां लिख देते हैं 105 हो जाएगा फाइव टाइम्स थ्री टाइम्स Seven. उसी तरीके से अगर मैं थर्टी को प्राइम फैक्टराइज करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं टू टाइम्स फिफ्टीन टू टाइम्स फिफ्टीन थर्टी हो जाएगा और फिफ्टीन को मैं आगे और तोड़ देता हूं थ्री टाइम्स फाइव में अब सब मुझे यहां पे प्राइम नंबर्स मिल गए जो कि थर्टी के फैक्टर्स हैं टू टाइम्स थ्री टाइम्स फाइव तो थर्टी को जब मैंने प्राइम फैक्ट्राइज किया तो मुझे यहां पर मिल जाएगा टू टाइम्स थ्री टाइम्स फाइव तो अब यहाँ पे क्या क्या चीजें मुझे कॉमन दिख रही है यहां पे है फाइव कॉमन यहां भी फाइव है यहां पे थ्री है यहां भी थ्री है टू और सेवन तो कॉमन नहीं है तो अब मैं यहां से क्या मैक्सिमम नंबर्स को मैं बाहर कॉमन निकाल सकता हूं फाइव टाइम्स थ्री फाइव टाइम्स थ्री क्योंकि हमसे पूछा गया है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर अब अगर मैं थ्री और फाइव को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिल जाएगा फिफ्टीन जो कि मैं यहां से भी और यहां से भी बाहर निकाल सकता हूं तो इन दोनों का जो एच होगा वो 15 हो जाएगा इन दोनों कॉमन प्राइम फैक्टर्स का मल्टीपल क्योंकि उनको मल्टीप्लाई करने के बाद ही हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी हमें कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं पूछा है हमें इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसने हमसे हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं पूछा है उसने सिर्फ हमें पूछा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अब वो प्राइम हो या ना हो उससे हमें मतलब नहीं है तो अगर हम यहाँ पे इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ पे हमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स दिख गए फाइव और थ्री इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें इसका हाइएस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाएगा क्योंकि इससे ज्यादा हम वन से और थर्टी से कॉमन निकाल ही नहीं सकते तो इसीलिए एच इन दोनों का हो जाएगा फिफ्टीन के बराबर